Good morning students. I welcome all of you in my maths class. Let's start over today's topic. Today I am going to explain you how to draw a bar graph in your FAIR notebook from exercise 14.3. I am going to discuss first, second, and third sum of your NCRT. Go to the page number 258. On exercise 14.3, in the first question, the survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the ages 5 and 14 in years worldwide found the following figures in percentage. These are the causes, and these are the female fertility rate in percentage. फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन गिवन अबब गली हमें इसके लिए ग्राफ बनाना है लेकिन ये डिस्कस नहीं करा कि इसने कौन सा ग्राफ चाहिए तो हमें कैसे पता लगा इसमें बारग्राफ चाहिए मैंने जो इससे प्रीवियस वीडियो बनाया है उसमें आपने देखा है कि मैंने आपको टीच किया था हाउ टू ड्रॉ ए बारग्राफ एंड फॉर विच टाइप ऑफ डाटा वी हैव टू ड्रॉ ए बारग्राफ जिस डाटा में क्लास इंटरवल नहीं दिया होता हमारे पास वेरिएबल्स दिए होते हैं कोई रीजंस दिए होते हैं हम उनके लिए बारग्राफ ड्रॉ करते हैं जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्लास इंटरवल नहीं है सिर्फ कॉजिज हैं तो बारग्राफ इसमें भी क्लास इंटरवल्स नहीं हैं। शेड्यूल का, शेड्यूल टाइप नॉन शेड्यूल कास्ट नॉन शेड्यूल टाइप ओनली सेक्शंस आर देयर इस क्वेश्चन में भी क्लास इंटरवल नहीं है ए बी सी डी ई तो इन सब में हम क्या ड्रॉ करेंगे बार ग्राफ बार ग्राफ ड्रॉ करना है अगर उसने कर, लिखा हुआ है यू ड्रॉ ए ग्राफ इट इज गुड अदरवाइज यू गो फॉर ए बार ग्राफ वैन डाटा इज नॉट गिवन इन क्लास इंटरवल जस्ट लाइक दिस इज इट क्लियर नाउ आई एम टेलिंग यू हाउ टू ड्रॉ ए first question in your copy first of all you know these are the causes causes will taken on x axis i am drawing a straight line on graph paper first of all the requirements which you required things to make bar graph in your copy this is scale as you know your measurement is according to your scale you need a graph paper graph paper means centimeter graph paper this is the uh, this is a centimeter graph paper in which this is 1 by 1 centimeter you know there are two types of graph paper in a market one is centimeter graph one is Inch graph, you need a centimeter graph here, and for beautify your graph, uh, bar graph, you need a pencil colors also. For beautification of your graph paper, which you draw in your copy, these are the basic things which you required for making a graph paper. First of all, draw a axis on graph paper this is x axis and this is y axis as you know which i am discussing in my previous video how to make a bar graph now the highest value of this table is 31.8 so i am deciding a table on my y axis 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 to locate each and every value in regard to causes. I am taking first value. First value is reproductive health condition, and the length of graph is a 31.8. तो हम सबसे पहले जो लाइन लगाएंगे नीचे एक्स एक्सिस की हम जब भी कभी ग्राफ बनाते हैं तो हम फर्स्ट ब्लॉक को ब्लैंक छोड़ते हैं सेकंड ब्लॉक लेते हैं सेकंड को ब्लैंक छोड़ते हैं फिर थर्ड पे बनाते हैं ये दे ऑल आर ऑन इक्वल मार्क ये सारे के सारे वन बाय वन 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 इक्वल मार्क्स पर लगते हैं जैसे वन टू थ्री फोर फाइव मार्किंग कर ली फिर हम फर्स्ट को ब्लैंक छोड़ेंगे सेकंड पे बनाएंगे फिर हम नेक्स्ट को ब्लैंक छोड़ेंगे अगले पे बनाएंगे अब जो फर्स्ट है थर्टी वन पॉइंट एट है तो हम एज्यूम करके अंदाजे से इसको थर्टी फाइव और थर्टी के बीच में लगाएंगे थर्टी वन पॉइंट एट सेकेंड लेंथ इज फॉर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस विच इज ट्वेंटी फाइव पॉइंट फोर सिमिलरली फिर हमारे पास इंजरीज के वैल्यूज है ट्वेल्व पॉइंट फोर हम इधर इस टेबल से अपनी वैल्यूज देखते जाएंगे और हमारी जो लेंथ ऑफ बार है वो डिपेंड करेगी कि कॉजेज के सामने उसकी कितनी वैल्यू गिवन है जैसे 4.3, 4.120 तो आई एम प्लॉटिंग 4.3, 4.1 और 20 फिर उसके नीचे उनके रीजंस लिखेंगे जो हमारे पास गिवन है जस्ट लाइक रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस इंजरीज कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस रेस्पिरेटरी कंडीशंस अदर कॉजेस ये सारे काजेज थे और इस साइड पर जो हमने टेबल डिसाइड किया है वो किसको शो कर रहा था फीमेल फैटिलिटी रेट इन पर्सन जो आपके पास यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन के अंदर और जो कॉजेस हैं वो आपने इसको एज इट इज लिखना है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्स पर. पर हमेशा हम क्लास इंटरवल्स नहीं होते और वाई एक्सिस पर हमेरा, हमेशा हम लेते हैं लेंथ ऑफ बार्स अब हमारे पास हमने जब हमारा बारोग्राफ रेडी हो गया तो वी हैव टू आंसर द टू मोर क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकेंड सेकेंड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन विच कंडीशन ऑफ मेजर कॉज ऑफ वुमेन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड विच कंडीशन इज द मेजर कॉज मेजर मीन्स सबसे ज्यादा मेजर मीन्स सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा मीन्स हाइस्ट वैल्यू तो हम इसमें देखेंगे हमारे बारोग्राफ की सबसे बड़ी वैल्यू किस किसमें है थर्टी वन पॉइंट एट तो हमारा आंसर क्या होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन इज द मेजर मेजर का मीनिंग मैंने भी आपको क्लियर किया है हाईएस्ट सबसे ज्यादा ऑफ इननेस एंड डेथ ऑफ वूमेन्स तो रीजन क्या आंसर आ जाएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन सेकेंड क्वेश्चन विच ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ यर टीचर एनी टू फैक्टर्स विच प्ले आ मेजर रोल इन द काज इन नंबर टू बट अम बिंग द मेजर कॉज हमें वो रीजन्स बताने हैं इस कंडीशन के लिए क्या रीज़न है तो दो मेन रीज़न हो सकते हैं एक तो अनएकेशन ऑफ वुमेंस और, और सेकेंड पुअर बैकग्राउंड ऑफ वूमन्स तो हमें ये दोनों आंसर तब देने हैं जब हमारा बारोग्राफ कंप्लीट हो जाएगा Now in the same way I am moving to the second question. Again for this question I have to draw a bar graph. Sections are given Scheduleka, Schedule tribes, Scheduleka, tribe, schedule, schedule tribe, backward districts, non-backward districts, ruler, urban. अगर हम इसके टेबल की वैल्यूज़ की तरफ देखें तो हम एक चीज़ को ध्यान से देखेंगे कि सारी वैल्यूज़ 900 के बीच में लाई कर रही हैं नाइन टेन नाइन थर्टी टू हंड्रेड टू फिफ्टी अगर मैं 100, 100 का गैप बनाऊंगी तो सारी की सारी लेंथ और बार्स 9 और 100 और 1000 वाली इक्वल लगेंगी मुझे उस चीज़ को उस चीज़ से बचने के लिए कि हमारा ग्राफ थोड़ा अट्रैक्टिव बने और हम उसको बहुत आराम से अपना ब्यूटिफिकेशन तरीके से हम उसको ड्रॉ कर सकें तो हम क्या करेंगे हम इसमें किंक का यूज करेंगे आप लोगों ने किंक के बारे में पढ़ा हुआ है अपना नाइन्थ क्लास में कि जब सॉरी एट क्लास में भी जब अनब्रोकन डाटा होता है तो हम किसको यूज करते हैं किंक को डाटा को शो करने के लिए नौ सबसे पहले हम सेम एक्स एक्सेस लेंगे रीजंस लिखेंगे एक ब्लॉक पे बनाएंगे और एक ब्लॉक को ब्लैंक छोड़ेंगे हम हमारा डाटा 900 से स्टार्ट होकर 970 तक जा रहा है तो मैंने यहाँ पर किंक स्टार्ट किया है किंक मीन्स जो हमारी ब्रोकन सीरीज को शो करता है इसको हम क्या बोलते हैं किंक बोलते हैं इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं किंक के आई एन के किंक नाइन टेन नाइन आगे फिर वही वन वन सेंटीमीटर का गैप लेकर हमने नाइन सेवनटी तक डाटा अलॉट कर लिया मैंने टू मोर एक्स्ट्रा नंबर्स भी लिख ली है ये किस चीज़ को शो कर रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स पर थाउजेंड बॉयज को गिवन है यहाँ पर हमने वही लिखना है नंबर ऑफ गर्ल्स पर थाउजेंड बॉयज अब हम बनाते हैं जो सबसे पहली वैल्यू है वो 940 फोर्टी फिर नाइन सेवेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन फिफ्टी टू नाइन ट्वेंटी नाइन थर्टी नाइन टेन तो हमने सेम लेंस और बार डिपेंड करी पहले 940 की फिर 970 की 920 की 950 की 920 930 910 टेन सबसे हाईएस्ट मेरी ये बन रही है और सबसे लोएस्ट वाली बार मेरी ये बन रही है अब हमें इनके आंसर्स देने हैं क्वेश्चन गिवन है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अब बार ग्राफ। हमने सबसे पहले बार ग्राफ बना लिया सेकेंड क्वेश्चन के लिए इन द क्लास रूम डिस्कस वट कंक्लूजन कैन बी अराइव एट फ्रॉम द ग्राफ आपको ग्राफ से क्या क्या कंक्लूजन निकालते हैं कंक्लूजन मीन्स रिजल्ट द हाइस्ट परसेंटेज ऑफ गर्ल्स पर थाउजेंड बॉयज़ आर हाइस्ट गर्ल्स की परसेंटेज क्या है नाइन सेवेंटी और किस ग्रुप में आ रही है एस टी के अंदर शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर और लोएस्ट परसेंटेज ऑफ गर्ल्स की कौन से ग्रुप में आ रही है अर्बन में किस में आ रही है अर्बन में तो हम इसी को अपना आंसर बनाकर लिखेंगे जो हाईएस्ट परसेंटेज है वो शेड्यूल एसटी uh, में आ रही है और जो लोएस्ट परसेंटेज है वो किस में आ रही है अर्बन में कॉन्क्लूजन आप कुछ और भी डिस्कस कर सकते हैं आप ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि टू सेम ग्रुप्स में दोनों वैल्यूज उसकी इक्वल हैं तो मैंने इसमें क्या डिस्कस किया एक हाइस्ट पार्ट और एक क्या पार्ट डिस्कस किया लोवेस्ट का दिस इज अ ग्राफ फॉर सेकेंड क्वेश्चन ऑफ अवर एन नाउ वी आर मूविंग टू थर्ड सम थर्ड सम में भी हमारे पास गिवन है हमें बारग्राफ बनाना है पॉलिटिकल पार्टीज गिवन है और सीट वन गिवन है कि वो कितनी सीटें जीत रही हैं और हमें आंसर बताना है विच पॉलिटिकल वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स किस पॉलिटिकल पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती आपको पता है कि जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में जो सबसे ज्यादा हाइस्ट वैल्यू आएगी उस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती ही होंगी तो हम सेम उसी तरीके से ग्राफ बना रहे हैं, हमने एक्स एक्सिस बनाया वाई एक्सिस बनाया एक ब्लॉक बनाएंगे एक छोड़ेंगे एक ब्लॉक बनाएंगे एक छोड़ेंगे जो ए पार्टी है वो 75 फाइव तक मैक्सिमम है जो बी पार्टी है फिफ्टी फाइव तक फिर थर्टी सेवन तक फिर ट्वेंटी नाइन तक फिर टेन तक फिर थर्टी सेवन तक यहां मैंने टेन टेन की मार्किंग करी है टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवन अब 75 फाइव बनाना आसान था 70 और एटी के बिल्कुल मिड में ले लिया फिफ्टी फाइव भी बनाना आसान है फिफ्टी जब थर्टी सेवन बनाएंगे तो आपको पता है कि हर एक सेंटीमीटर के अंदर ये टेन टेन ब्रिक लाइन लाइन्स होती हैं तो सेवन लाइन्स काउंट कर लेंगे इसी तरह ट्वेंटी नाइन बनाएंगे तो ट्वेंटी तो कंप्लीट आ जाएंगे नेक्स्ट नाइन ले लेंगे सेम प्रोसीजर से टेन बनाएंगे थर्टी सेवन मैक्सिमम हाइट किसकी आ रही है एक पार्टी के लिए आ रही है तो हमारा आंसर हो जाएगा आ पार्टी ए वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स हम डिफरेंट कलर्स यूज कर सकते हैं अपने ग्राफ को सुंदर दिखाने के लिए तो बार ग्राफ्स आई थिंक आपको क्लियर हो गया है बारग्राफ हम वहां बनाते हैं जहां पर हमें क्या करना होता है जहां पर हमारे पास क्लास इंटरवल्स नहीं दिए होते और इस साल के लिए सिलेबस के लिए आपके सिर्फ बारग्राफ ही है आपके सिलेबस में। थैंक्स